तो कहीं ना कहीं ये ब्रांड आपको सर्विस कॉस्ट पे थोड़ा ज्यादा पड़ते हैं, आपको थोड़ी सर्विस कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ती है इन ब्रांड्स पे। इसका इंजन जो है वो काफी अच्छा रिफाइन आपको मिलता है, अच्छी परफॉर्मेंस भी आपको निकाल के देता है। अगर आपको लगता है कि यार आप इतनी सेफ्टी के साथ काम चला सकते हो तो इट्स अप टू यू, आपकी लाइफ है, आपके पैसे हैं, आप जैसा चाहे इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मेरा पॉइंट है कि आपको सेफ्टी को भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स, एंड कैसे आप सब लोग, आई होप सब लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू 2024 किया सोनेट के बारे में। सो किया सोनेट जैसे हम सबको पता है लॉन्च हो चुकी है, एंड कई लोग प्लान कर रहे होंगे इस कार को लेने का। तो अगर आप भी उनमें से एक है तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में हम ऐसे कई सारे पॉइंट्स आपको बताएंगे जिसके बेसिस में आप जज कर सकते हो कि इस कार को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के, सीधे आते हैं अपने पॉइंट पे। तो गाइस बात करें इस कार में मिलने वाले इंजन की, तो इस कार में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, 1.4 लीटर डीजल इंजन मिलता है, एंड वहीं इसमें आपको 1 लीटर टर्बो इंजन का ऑप्शन ही मिलता है। तो काफी सारे इंजन ऑप्शन आपको इस कार में मिलते हैं। स्पेसिफिकली बात करूं इसके इंजन की, तो इसी कॉम्पिटिशन में भी जितनी भी कार्स आ रही है इस सेगमेंट में पर्टिकुलर, तो उसमें इसका इंजन जो है वो काफी अच्छा रिफाइन आपको मिलता है, अच्छी परफॉर्मेंस भी आपको निकाल के देता है। तो अगर आप चाहते हो एक ऐसी कार जो इंजन वाइज इसमें आपको रिफाइनमेंट मिले इंजन में, एंड परफॉर्मेंस भी उसके साथ अच्छी मिले, तो उस केस में आप डेफिनेटली इस कार को कंसिडर करते हो। काफ़ी अच्छा रिफाइंड इंजन आपको इस कार में मिलता है। अगर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज बात कर रहे हैं हम डिज़ाइंस की, एंड जो दिखता है वही बिकता है, ये वाली फिलॉसफी चलती है स्पेशली जब बात करें इंडियन मार्केट सेगमेंट की। तो एंड इस केस में भी ये कार आगे निकलती है, बिकॉज अगर देखोगे इस कार को लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा गुड लुकिंग कार ये कार आती है, एंड कंपटीशन से अगर कंपेयर करूँ तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन इसमें आपको देखने को मिलता है। डिज़ाइन वाइज चाहे बात करें एक्सटीरियर डिज़ाइन की, एंड चाहे बात करें इसके इंटीरियर की, डिज़ाइन वाइज ये कार आपको काफ़ी खुश करेगी, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी ये कार। तो अगर डिज़ाइन वाइज भी बात करी जाए तो डेफिनेटली डिज़ाइन वाइज भी ये कार कॉम्पिटिशन से काफ़ी हद तक बेटर है, एंड डेफिनेटली अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जो डिज़ाइन वाइज लुक वाइज भी अच्छी हो, तो डेफिनेटली उस केस में भी आप इस कार को कंसिडर कर सकते हो। सो गाइज बात करूँ फीचर्स की, तो इस कार में आपको 50 एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं जो इस सेगमेंट की बाकी कार्स में आपको नहीं मिल रहे। तो अगर आप फीचर वाइज भी एक ऐसी कार चाहते हो जो अप टू डेट हो, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स ऑफर किए जाए, तो उस केस में भी आप इस कार को कंसिडर कर सकते हो। अब इसमें एडास लेवल 1 भी आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, एंड मेरे हिसाब से इस पॉइंट को भी आपको कंसिडर करना चाहिए जब भी कभी आप एक कार खरीदने जाते हो, वो पॉइंट है कार की आफ्टर सेल सर्विस रिगार्डिंग। अब किया जैसी कंपनी है जो काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट में उसको हो गया है, एंड काफ़ी अच्छे सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है। उस केस में अगर बात करूं तो जो आफ्टर सेल सर्विसेज है किया की, वो काफ़ी अच्छी है, एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल भी किया में आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो उस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो आफ्टर सेल सर्विसेज आपको किया में अच्छी मिलेगी। तो डेफिनेटली अगर आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें आपको आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी मिले, उस केस में भी आप किया को कंसिडर कर सकते हो। सो गाइस अगर बात करूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो इस पॉइंट को भी कार खरीदते समय अपने माइंड में जरूर रखना चाहिए कस्टमर को, बिकॉज ये पॉइंट आता है कार की मेंटेनेंस रिलेटेड। कार हमने खरीद ली, सर्विस कॉस्ट कितनी आएगी कार की, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सर्विस कॉस्ट एक ऐसा फैक्टर आ जाता है कि वो आपको जब तक आप कार रखोगे आपको पे करना पड़ेगा, तो सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी हद तक मैटर करता है। एंड बात करें किया और हुंडई जैसे ब्रांड्स की, कंपेयर करें इनको मारुति टाटा वगैरह से, तो कहीं ना कहीं ये ब्रांड आपको सर्विस कॉस्ट पे थोड़ा ज़्यादा पड़ते हैं, आपको थोड़ी सर्विस कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ती है इन ब्रांड्स पे। सो गाइस ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी जब भी आप कार परचेस करने जाओ। अगर आप सर्विस कॉस्ट से ओके हो, आपको चलेगा कि आपकी इफ़ इन केस कभी रिक्वायर्ड हो तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज पे करने पड़ेंगे, तो इसके लिए अगर आप रेडी हो तो डेफिनेटली आप इस कार की तरफ जा सकते हो। सो गाइस अब मैं बात करता हूँ एक ऐसे पॉइंट की जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, मैं बात कर रहा हूँ कार की सेफ्टी से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं इस कार की एक्टिव सेफ्टी की, तो कहीं ना कहीं ये कार उसमें लैक करती है। बिल्ड क्वालिटी अगर कार की देखोगे तो इतनी अप टू द मार्क नहीं है, मैंने पर्सनली ये कार देखी है, एंड सीरियसली बताऊं तो इतनी अप टू द मार्क बिल्ड क्वालिटी नहीं है। एंड वी ऑल नो क्या स्कोर्स रहा है किया का पास्ट में, जब बात करते हैं हम सेफ्टी से रिलेटेड।
अगर कंपेयर करूं मैं इसको बाकी ब्रांड्स के साथ, यानी कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं सीधे टाटा के साथ, नेक्सॉन के साथ, तो उस केस में इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी हल्की आपको नज़र आएगी। एंड बिंग अ कस्टमर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। भले ही कंपनी ने इसमें आपको एडास फीचर्स दे दिया हो, एसिक्स एयरबैग के साथ ये आ रही हो, फिर भी एक जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी है उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ें पूरी नहीं कर पाएंगी। एक स्ट्रक्चरल सेफ्टी, एक स्ट्रक्चरल बिल्ड क्वालिटी अच्छी होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं इस कार में लैक करता है। तो अगर आप चाहते हो एक ऐसी कार जिसमें आपको सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, उस केस में ये कार आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। तो गाइज एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मुझे लगता है कि सोनेट लैक कर रही है, वो है सेफ्टी का। अदरवाइज कार बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आ रही है। एंड अगर आपको लगता है कि यार आप इतनी सेफ्टी के साथ काम चला सकते हो, तो इट्स अप टू यू, आपकी लाइफ है, आपके पैसे हैं, आप जैसा चाहे इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मेरा पॉइंट है कि आपको सेफ्टी को भी ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं आप इस सेफ्टी के साथ जा सकते हो, तो डेफिनेटली इस कार की तरफ जाइए आप। बट ध्यान रखिएगा, इस स्ट्रक्चर क्वालिटी का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है किसी कार के लिए। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सके। बहुत शॉर्ट वीडियोस थी, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने रखे हैं इस वीडियो में, जो कि आपकी हेल्प कर सके इस कार को डिसाइड करने में कि आपको इस कार को लेना चाहिए या नहीं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, और अगर इस चैनल नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।